पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि नेचर इज द बिगेस्ट कॉज कि बारिश सही समय पे ना होना, या कभी भी जब बारिश को ना होना है तो बारिश हो जाती है, उसके कारण क्रॉप्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. फिर गवर्नमेंट फाइनेंस जो कंपनी है वो सब शहरों में नहीं होती, सब गांव में नहीं होती है, और इन सब चीज़ों की वजह से वो फिर उन लोगों से ले लेते हैं पैसे. रिश्वत ले ली? नहीं नहीं, रिश्वत नहीं, उन लोगों से अपना इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते हैं और अपनी ज़मीन उस पर लगवा देते हैं, दाव पे लगा देते हैं, और फिर पैसे ना देने के कारण इंटरेस्ट लेवल इतना बढ़ जाता है, देन उनके पास और कोई तरीका नहीं रहता है कि अपनी ज़िंदगी वो. और प्लस मैंने एक और बात भी देखी है कि देर आर सम पॉलिसीज गवर्नमेंट की कि अगर आपका फार्मर मतलब आत्महत्या कर ले या मर जाए तो गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है. तो उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मैं अगर अपनी जान दे दूँ तो एक तो लोन से भी बच जाएगी मेरी फैमिली और मेरे परिवार वालों को पैसे भी मिल जाएंगे. दैट इज़ एन अमेजिंग, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट विच दे हैव, विच हमको उनको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होए तो बेटर रहेगा. और जहाँ तक रहा सवाल मेरे जाने का, मैंने सच कहें तो मैं गया नहीं हूँ मराठावाड़ा में जहाँ के जितने भी फार्मर्स हैं, लेकिन आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी मिले जी, वोटर कंजर्वेशन के लिए भी पता चला था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था और जस्ट मुझे एक थैंक यू कहने के लिए, और बहुत अच्छी तरह उनसे मिले, बहुत अच्छी तरह बातें हुई उनके साथ. एंड बट बेसिकली मैंने यही देखा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स खास करके आंध्र प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, यहाँ के किसानों में ये जो सोसाइटी प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है. ये जो छोटी छोटी चीज़ें उनको समझाना, इट इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग, वैन दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अब वहाँ रूरल एरिया तक कौन कौन जाएगा, उसके लिए क्या क्या करना है, ये तो आपको गवर्नमेंट ही बता सकती है. हम जितनी बहुत छोटी मोट मदद कर रहे हैं, सर तो बहुत हिसाब से, मेरे हिसाब से मैंने इनके बारे में बहुत पहले भी सुन चुका हूँ. मुझे सर मिलने आए थे और इन्होंने इनके पिरामिल फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, एंड आई एम सो ग्लैड दैट सम पीपल आर डूइंग समथिंग लाइक दिस. एंड और अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी भी ज़रूरत पड़े कहीं तो ज़रूर बोलिएगा. एंड बट यस, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगर लोग फार्मर्स से बात करें और उनसे कहे कि ये करना सही नहीं रहेगा. मैं कहता हूँ देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं बैठ जाऊँ अपनी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम लेके, टैक्सेशन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वही खत्म नहीं, बहुत छोटी प्रॉब्लम है हमारी, बहुत छोटी प्रॉब्लम है. लेकिन जो आज एक बात मैंने अभी सुनी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फार्मर्स की, अगर इन्होंने जो नेक्स्ट जनरेशन ने फार्मिंग करना छोड़ दिया तो गेम खत्म हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, सब कुछ प्रॉब्लम जितने भी शुरू होना शुरू हो जाएंगे, इधर पैसा कमाने का कुछ फायदा नहीं है. आज मैं अगर यही कहूँगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फार्मर्स की, गवर्नमेंट को सबसे पहले हर काम छोड़ के ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ही सब. See the Pyramid Foundation, I've known about this whole foundation, what the things, kind of things they're doing. So they were working for the farmers, they're doing a lot of things for the farmers. So I got this opportunity to come here and be with them and talk about it. And it's a small little voice which we are trying to raise. And that's why we got, if you see, there were a lot of farmers also inside. Because I personally feel, I asked the channel to get farmers and to talk to them, because they are the right person to talk about what the problem is, rather than we just discussing about it, because we being in a city wouldn't know about it, they would know more about it. So they've come here, it is such a lot of things, like eye-opening things, like one of the farmers was saying that about pesticides duplicate kar lete hain log, and because of that the crops actually die, and that like compels them to commit suicide, and a lot of other things which I myself have learned it, because I don't come from background of being a farmer, but I can feel it.
and it was very heart touching to me.